आइए जानते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। झरिया के लोधना में अंबेडकर चौक के समीप युवकों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर बेरोजगार दिवस मनाया। साथ ही कैंडल जला के युवकों ने रोजगार दो का जमकर नारेबाजी भी की। युवकों ने बताया कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए कि हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पर युवाओं के साथ छलने का काम किया गया। कोरोना काल में लॉकडाउन किया जिससे करोड़ों युवा बेरोजगार हुए। युवकों का कहना था कि नरेंद्र मोदी जी ने कई वादे किए, लेकिन आज जो देश की स्थिति है वह निजी हाथों में करने पर तुले हैं। कई सरकारी रोजगार जो आज निजी के हाथों में सौंप रहे हैं। सबसे पहले तो आज आदरणीय श्री श्री 108 नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी एवज में हम तमाम बेरोजगार युवा बहुत दिन से संकल्प लिए थे कि जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन रहेगा उस दिन राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। इस एवज में आज हम लोग तमाम युवा लोग अंबेडकर स्थल पर उपस्थित हुए और बेरोजगारी दिवस मनाने का फैसला किया और मना रहे हैं। एक तरफ आप मोदी जी का जन्मदिन का शुभकामना दे रहे हैं और ऊपर से कैंडल मार्च रोजगार की मांग कर रहे हैं, क्या मंशा आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मंशा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो शुभकामनाएं देना हम सब के लिए बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री हम सब का होते हैं। उनसे रोजगार की मांगे कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि रोजगार क्या नहीं मिल रहा? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आप जरा से देखिए, पीछे जाइए और 2014 में मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो साथ तो सबका मिला, लेकिन विकास केवल कुछ पूंजीपतियों का हुआ। हम जैसे बेरोजगार युवा आज भी बेरोजगार है। सन 2019 में फिर से चुनाव हुआ, आम चुनाव, उसमें एक नारा और जुड़ गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उसमें हम जैसे युवाओं का फिर से उनका साथ दिया गया और बदले में हम लोग को राष्ट्रवादी का लॉलीपॉप थमाकर मोदी जी रख दिए और हम लोग आज पूर्ण रूप से बेरोजगार माना जाए तो युवा ठगा महसूस कर रहा है। हम लोग आज युवा जितने तमाम युवा हैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस एवज में आज हम लोग मोदी जी का जन्मदिवस मना, आज जन्मदिवस है इसलिए हम लोग बेरोजगारी दिवस मनाने का संकल्प लिए। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार पासवान। पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ ही जब मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इधर उधर की बातें तो बहुत कर रहे हैं, आप बेरोजगारों की तरफ भी ध्यान दीजिए। आपने हर साल आते और वादा करके चले जाते, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था आपने, लेकिन आज वही हो गया, युवा बेरोजगार ही रह गए। आप देखिए रेलवे का वैकेंसी जो 2019 में निकला था आज तक उसका होना ना होना कुछ पता नहीं चल रहा है। लोग का ऐसे ही आर्थिक स्थिति और भी खराब होता है, युवाओं का उम्र बढ़ते जा रहा है और बेरोजगार होते जा रहे हैं। बहुत सारे युवा तो सुसाइड भी कर लिए हैं। हमारे काफी मित्र लोग जो है वो काफी परेशान है इस मुद्दे को लेकर। मैं यही मोदी जी को यही संदेश देना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं युवाओं की तरफ भी एक तरफ देखिए। पूरा लाखों करोड़ों लोग युवा बेरोजगार रोड पे निकल गए हैं आपके खिलाफ सिर्फ रोजगार को लेकर के, लेकिन आपका सारा मुद्दा एक तरफ है, रोजगार एक तरफ है, रोजगार की तरफ आप देखना भी नहीं चाह रहे हैं। आप सारा मीडिया कभी सुशांत सिंह दिखा रहा, कोई कांगना दिखा रहा, रोजगार की कोई बात ही नहीं कर रहा है। और हर राष्ट्रीय चाइना पाकिस्तान अगर लड़ना है तो अमेरिका चाइना ये सब से लड़ेंगे, रोजगार से लड़िए। पहले अपने देश को देखिए, उसके बाद किसी और को देखना है। आपको ये मालूम है वित्त मंत्रालय ने एक पेपर निकाली जिसमें बताया गया है कि जो वैकेंसी जो पहले भरी गई थी उसको पोस्टपोन किया जा रहा था, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अब हम हमारी जो प्रतिक्रिया है, आप जो वैकेंसी निकाले गए उसको पोस्टपोन करने का क्या रीजन है? सबसे पहले तो आपने कोरोना का आड़ में लेकर के सारे बेरोजगार को वैसे ही चुप करा दिया। जब आदमी बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, लोग खुद पे खुद रोड पे निकल रहे हैं। आप हर तरफ देख रहे होंगे कि इसी मुद्दे को लेकर के आपने जो सवाल किया उसी मुद्दे को लेकर के रोज बहुत सारे बेरोजगार स्टूडेंट लोग सब रोड पे निकल गए। आज यूपी में देखिए, एमपी में देखिए, सारे लोग रोड पे बेरोजगार निकल चुके हैं। इसी संदेश यही चीज में हम लोग बेरोजगार लोग स्टूडेंट लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन रोजगार की बातें क्यों नहीं कर रहे, रोजगार देने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कई कंपनियों को निजीकरण किया जा रहा है इस मुद्दे पे आपके? आप हमें बताइए, निजीकरण जब आप सभी हाथों में दे दीजिएगा तो फिर तो आप तानाशाही वाला शासन भी वापस चला आएगा और उस समय कितना रोजगार मिलेगा वो तो अभी क्या है, सरकारी संपत्ति को जो बेच रहे हैं तो वो पूंजीपति हाथों में बेच रहे हैं, पूंजीपति। और अब देखिए रोजगार कोरोना के समय में
रिलायंस जियो वर्ल्ड में तीसरा नंबर पे चला गया है, जबकि पूरा देश पूरा दुनिया अर्थव्यवस्था से चरमरा चुका है और ये जियो तीसरा नंबर पे चला गया। आप सोचिए ये स्थिति कहाँ जा रहा है भारत के। परिचय दे दे अपना, क्या नाम है? नीरज पासवान।